ऑल राइट फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद चंडाल चौकड़ी आपस में मिली है। क्या है कि हमारे पास दुनिया का अव्वल नंबर का फारिग आदमी, जो कि हमें रातों को सोने नहीं देता है, वो आया है कराची से। पहले मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। टन टन टन, फराज साहब क्या हाल है? थोड़ा लाइट तो ले ले। मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। आप नाराज़ थे मेरी वजह से, मुझे पता है, क्योंकि मैं एक जगह पर नहीं आया था। तू कोई सुपर स्टार है, तू नहीं आएगा तो हमारा इवेंट नहीं होगा। एक बात बताऊँ, सुपरस्टार नहीं हूँ पर आपका वो हूँ। नहीं तो सुपरस्टार नहीं है तो हीरो है। टीम मेंबर तो हूँ ना। तो बायोनिक है? नहीं, टीम मेंबर। तो मैं इनको मनाने लाया हूँ, इनको चाय पिलाऊंगा आज और कुछ खाना भी खिलाऊंगा। भाई ऑन द रिकॉर्ड कह रहा है कि चाय ये पिलाएगा। हाँ, खिलाऊंगा भी कुछ और इनको आज मना के जाऊंगा। चाय मुझे इनके उधर भी गिरना पड़ेगा तो भी गिर जाऊंगा। हम माने में मेरी जान, तू आया मैं बड़ी खुशी हुई। और हमारे साथ है द वन एंड ओनली जावेद साहब। जावेद साहब लाइट ज्यादा मारो यार। ओ ये बात, आज हैदराबाद में खुशकी क्यों है? अभी मुझे पता पड़ा है कि ये फराज आया हुआ है। खुशकी इस भाई की वजह से है। मेरे ख्याल से आप एंट्री डेंड्रफ शैम्पू यूज करें। मुझे बालों में वैसे भी खुशकी हो जाती है सर्दियों में। बालों में नहीं, आज पूरे हैदराबाद में खुशकी है बेटा। जाओ भाई। जी जी जी। आज खर्चा लगाना है इस पर बड़ा टाइट किस्म का। यार मुझे पैसे दे देना, मैंने खाना खा लिया है भाई। कोई बात नहीं, फिर से खाएंगे। आज तो खाएंगे क्योंकि आज इसकी फुल टाइम फाड़नी, ताकि इसको एहसास हो कि अगले दफा ये इवेंट मिस ना करे। कितनी करेंगे, कितनी फाड़ेंगे? कितनी ज्यादा ज्यादा? चार रोटियां खाएंगे बस ना। चलो, और कितना चलो, खाएंगे? चलो मिलते हैं। एक पाव गोश्त, चार रोटियां बस ना। ओके गाइस, गाने के बाद ये फिर मेरा पहला विलोक है। असल में ड्यूटी थोड़ी सख्त हो गई थी, क्या करें, कभी कभार हो जाती है, सख्ती हो जाती है, तो इसलिए कभी कैसा ऑफिसर आता है, कभी कैसा, तो ये दबंग ऑफिसर आ गया था, इसलिए इन्हें डंडा दे दिया था। हो जाता है कभी कभार, जैसे चौदह सोली सिंधी में कहते ना जल दब। तो वो 15 मिनट में बहुत बड़ी बड़ी चेंजिंग्स आई हैं। हमने रस्ते में मूँगफली लिए, मूँगफली खा रहे हैं अभी गर्मा गर्म। साथ में इखलाक भाई को हमने रस्ते से उठाया, इसने बड़ी टोपियाँ करवाई कि मैं आम रूम में नौकरी के काम से बाहर निकला हूँ, ऑफिस गया हूँ, ये वो। लेकिन हमने इसको बिल आखिर शाहीन डेयरी से हमने इसको पकड़ ही लिया, दूध ले रहा था। मजे की बात ये है कि भाई ये हमारा वही पुराना टोला है, हम फिर से सब कनेक्टेड हुए हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, जरा मुंडी घुमाओ। जाओ भाई आपसे ज़रा बात करेंगे, इधर दिखाइए, मुझे दिखाइए। जाओ भाई ज़रा लाइट पकड़ना अपने मुँह पर, थोड़ी सी नीचे झुक जा, लेटी पोजिशन। ये हमारा हाँ पुराना। जाओ भाई, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? खैर अमन। तू भी बड़े दिनों के बाद नजर आया वैसे। नहीं, मैं इधर ही हूँ यार, कहाँ जाऊँगा। तू जब तेरे बच्चों का काम होता है, जब तेरी बीवी का काम होता है, तो उससे फारिग होगा तो दूसरे कामों के लिए तू बाहर निकलेगा ना। ये है, ये ये है या वो है? मेरी दिल है यार, इखलाक दो दिन मैंने बिजी था ना। देख कैसी इखलाक, इसने टोपी घुमाई है, कहाँ से कहाँ घुमा गया। लेकिन अभी हम चाय पियेंगे, उसके बाद आपसे बात करते हैं। जाओ भाई। ओके सर। झुक झुक कौन करेगा, वीरू की कसर तू पूरी कर दे आज। आजा। जल्दी आजा, लोग इंतजार कर रहे हैं यार। All right friends, भाई चाय आ चुकी है, बड़ी जबरदस्त किस्म की ठंड हो रही है यहाँ पर। लेकिन गरम गरम चाय पियेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ गर्माश आएगी, गला खराब है, लेकिन फिर भी हम मूँगफलियाँ खा रहे हैं। और कहते हैं कि जहर को जहर मारता है, ये इस भाई का फार्मूला है, इस भाई का। तो हम भी अब क्या कर रहे हैं, जहर से जहर को मारेंगे, मूँगफली भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे, मस्त किस्म का इंजॉय करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दुनिया में आए हो तो बनाओ अपनी पहचान, जिस गली जाओ हर बच्चा बोले अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। दुनिया में आए हो तो बनाओ अपनी पहचान, जो ज्यादा पैसे दे उसी से गवारा हो।
हमारा पुराना फार्म बहुत क्लियर है, खाते पीते वक्त मैं अपने आप को डिस्टर्ब करता हूँ, किसी और को डिस्टर्ब करता हूँ, चाय पीते उसके बाद बात करते हैं। बोला पाकिस्तान में तरक्की थी, क्या बात थी कि चाय में बिस्किट बोड़े खाएंगा चाय। ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है, मैंने अंग्रेजों तक को देखा है चाय में बिस्किट को डिबो डिबो के खाते हैं, तो इस चीज़ में कोई ऐब नहीं है, जिसको जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से खाए। बिस्किट और चाय की बात कर रहा हूँ। बिंदी क्यों लगी हुई है? बिंदी आज चमकेगी। तेरे बेदम कर दिया है फिर। अखलाक साहब को बड़ा दुख है कि आटा महंगा हो गया है, शुगर बहुत उरूज पे जा रही है। जाऊ भाई कहते हैं कि मैंने तो आटा खाना छोड़ दिया है, मैं होटल से रोटी लेता हूँ। फराज भाई, मैं सिर्फ चावल खाता हूँ। तू सिर्फ चावल खाता है ना? हाँ, चावल अभी सस्ते हैं, पैसे बच जाएंगे ना। बंगाल से आया है, चावल और मछली खाता है। हाँ, लग भी रहा है थोड़ा सा बंगाली। मछली महंगी है वैसे। मछली महंगी है? मछली नहीं खाएगा ना, पल्ला खाएगा। पल्ला मिलता ही नहीं है कराची में। हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर बड़ी बहस करते हैं कि आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, ये हो गया, फलाओ गए, लेकिन फिर भी हम इस्तेमाल करना छोड़ेंगे नहीं। चीनी में कितनी बीमारियाँ, लेकिन फिर भी हम चीनी खाते हैं। अब भूसे वाला आटा जो है वो सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम भूसे वाला आटा नहीं खाते, हम स्पेशल आटा खाते हैं। हाँ यार, ये बात है नहीं। और फ्लोर मिल वाले जो है ना, वो भूसे वाला आटा, और हालांकि वो सस्ता आटा है, उसको महंगा करके बेचते हैं, स्पेशल आटा कहते हैं उसको। बजट आप लोगों के अपने हाथ में है, अपनी चादर देख के पैर फैलाइए। भूसे वाला आटा खा खा के हमारे दिमाग में भूसा भर गया। कल के व्लॉग में मैं स्पेशल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, और बड़ी शॉकिंग स्टोरी है, तो कल का व्लॉग जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे पास एक क्लिप आया है कराची से, एक बाप का अपनी बेटी के साथ टॉक्स चल रहे हैं, और उनके साथ क्या मसला हुआ है इस दौर में, जिसको हम कहते हैं ना कि मदीना मुनव्वरे की रियासत चल रही है यहाँ पर, उसमें उन बच्चों के साथ क्या हुआ जा रहा है, अब मैं आपको बताऊंगा वो स्टोरी कल के व्लॉग में। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सी या, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बंगदा पियूं डाटो था पियूं।